शिक्षा संकाय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला, जिसका मूल लक्ष्य था रिसर्च मेथडोलॉजी से अपने सभी अध्येताओं को अवगत कराना, इसके जितने भी फलक हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, उसके बारे में जानकारी देना। तो इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी शिक्षकगण, अध्येतागण, प्रतिभागीगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बहुत खुशी है कि 5 दिन की यह कार्यशाला आज सफलतापूर्वक अपने पूर्णता के चरण में है और इसका सारा श्रेय जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स के रूप में उपस्थित हुए और विशेष करके शिक्षा संकाय के सभी सन्नद्ध शिक्षकगण और सर्वोपरि अधिष्ठाता शिक्षा संकाय प्रोफेसर संध्या गिहाल, इस अवसर पर मैं विशेष रूप से जो हमारे रिसोर्स पर्सन्स हैं उनका मैं ध्यान करना चाहूँगा। प्रोफेसर आरजी कोठारी, प्रोफेसर लतिका शर्मा, प्रोफेसर विशाल सूद, प्रोफेसर मनु कोंडा जी, डॉक्टर विकास कुमार सिंह, डॉक्टर श्रीश पाल सिंह, प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी, संभवतः मैं देख भी रहा था उन्हें अभी थोड़ी देर पहले, प्रोफेसर वंदना पुनिया, प्रोफेसर भूमनाथ त्रिपाठी, प्रोफेसर जसराज कौर, प्रोफेसर आलोक श्रोत्री जी, प्रोफेसर प्रसन्न कुमार सामल जी और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में जो निरंतर लगे रहे, डॉक्टर सैमसन विक्टर, मिस्टर देवी प्रसाद सिंह, डॉक्टर रमेश एम, डॉक्टर मारिया और भी जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, वे सभी जो लोग भी इस समय इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ और विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हैं, वे सब भी, मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यशाला में 29 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से 2521 प्रतिभागी सम्मिलित हुए, जिसमें बहुत सारे सम्मानित शिक्षक हैं, बहुत सारे अध्येता हैं और मैंने जो द्वादश रिसोर्स पर्सन थे उनका भी उल्लेख किया। ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, मैंने आरंभ में ही इसकी चर्चा की थी कि बहुत सारे इसमें प्रतिभागीगण हो रहे हैं, शायद उतना बड़ा प्लेटफॉर्म सुलभ नहीं कराया जा सका, इसलिए भविष्य में भी इस प्रकार का कार्यक्रम होगा। एक बार और इस रिसर्च मेथडोलॉजी पर विचार विमर्श का अवसर मिलेगा आप सबको भी और उन सबको जो चाहते थे सम्मिलित नहीं हो पाए। जब भी कहीं रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में चर्चा होती है तो मुझे ध्यान होता है कि आज का जो दौर है इसमें अनुसंधान की बहुत ज़्यादा महत्ता है। शोध से ही हमारे बोध की अभिव्यक्ति होती है कि किस स्तर पर हमने विषय को समझा है और कहाँ हम विषय को ले जाना चाहते हैं। गुणवत्ता परक संख्या परक रिसर्च को लेकर के बहुत चर्चा होती है और आजकल जो उच्च शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निकाय हैं उसमें भी जो सर्वोच्च निकाय है UGC और जो इन निकायों के ऊपर का निकाय है हमारा मानव संसाधन मंत्रालय, तो सबकी रुचियां इस बात में हैं कि शोध उच्च स्तरीय होने चाहिए, होते भी हैं, हो भी रहे हैं और उसमें आजकल एक नया शब्द है कि जो भी शोध कार्य हों गुणवत्तापूर्वक हों, मौलिक हों, इसलिए प्लेगरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कापी पेस्ट वाला सिद्धांत न चले। इसलिए आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम उस शोध की विधा पर जिसके चलते कोई भी विषय विज्ञान की श्रेणी में समाहित हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाता है, तथ्यपरक हो जाता है, प्रामाणिक हो जाता है, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं और तभी विषय की गहराइयों में उतरते हैं और विषय को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अर्थात गहराई से लेकर ऊंचाई तक किसी भी विषय को ले जाना शोध की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा होगा, चाहे सामाजिक विज्ञान हो अथवा विशिष्ट विज्ञान की विभिन्न विधाएँ हों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस भी आजकल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या वाणिज्य संकाय के विषय हों, शिक्षा शास्त्र के विषय हों, सब में अनुसंधान की और भी जो विषय रह गए जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया, तो सब में अनुसंधान की अपार संभावनाएं होती हैं और वस्तुतः हम संभावनाओं में ही अवसर की तलाश करते हैं कि जितना अच्छा हमारे यहाँ रिसर्च होगा
उसकी व्यवहारिकता जितनी अच्छी होगी, हमारे अध्ययन का लाभ उतने अधिक लोगों को मिलेगा। न केवल वर्तमान पीढ़ी को अपित भावी पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, मिलता है अच्छे शोध कार्यों से। आजकल केवल ज्ञान के लिए ही नहीं शोध की जरूरत है, आजीविका के लिए भी शोध की बहुत ज़्यादा उपादेयता है। जिन्हें उच्च शिक्षा में जाना है, माध्यमिक शिक्षा में जाना है, सब जगह शोध का विशेष महत्व होता है। जब हम प्रयोगशालाओं में आविष्कार के लिए तत्पर होते हैं, बहुत सारे नए तत्व की तलाश करते हैं, बहुत सारे नए सिद्धांत देते हैं, तो हम वस्तुतः मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होते हैं। प्राचीन काल में भी यह विधा थी। हमारे यहाँ ऋषि परंपरा, अन्वेषकों की परंपरा कही जाती है, शोधकर्ताओं की परंपरा कही जाती है, और जो कहा जाता है कि हमारे यहाँ ऋषि मंत्रों के माध्यम से ऐसा कर लेते थे, उसका भाव यही था कि मंत्र फार्मूला हुआ करते थे, और जो ऋषि थे उस फार्मूला को बनाने वाले और व्यवहार में उतारने वाले वैज्ञानिक हुआ करते थे। इसीलिए कहा जाता था ऋषियोः मंत्र द्रष्टारः, ऋषि वह है जो मंत्र को देखता है, वैज्ञानिक वह है, अनुसंधान करता वह है, आविष्कार करता वह है जो फार्मूला बनाता है, देखता है और उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारता है, केवल और केवल लोक कल्याण के लिए। वैयक्तिक उपलब्धियां तब महत्वपूर्ण होती हैं जब सामाजिक संदर्भों में यह उपादेय होती है और राष्ट्र को उन्नत के शिखर पर ले जाने में सहायक बनती है। इसलिए हर शोध का ध्येय यही होता है कि हम विषय से संबंधित ज्ञान को समृद्ध करें और फिर व्यापक फलक पर ज्ञान क्षेत्र को समृद्ध करें। भारत के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि आज की दुनिया ज्ञान की दुनिया कही जाती है और ज्ञान की दुनिया में ज्ञान की महाशक्ति बनाने में शोध और अनुसंधान दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसलिए इसमें लगे हुए सारे शिक्षक, आचार्य, अध्येता, अनुसंधानकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से सभी अपने लक्ष्य को लेकर सजग हैं और दायित्व के प्रति सतर्क हैं। तो पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में भारत ज्ञान की दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनेगा, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों के पास, हमारे आचार्यों के पास वह प्रज्ञा शक्ति है जिससे हम नीर छीर का विवेचन करते हैं, हम विवेकी इंसान हो जाते हैं। अपने विवेक को जागृत करने के लिए, विषय को और परिष्कृत करने के लिए, समृद्ध करने के लिए आज की दुनिया में शोध का बहुत ज़्यादा महत्व है। मुझे पूरा भरोसा है, अभी मैं फीडबैक भी सुन रहा था, इस 5 दिन में जो हमारे प्रमुख आचार्य रहे हैं इस विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान देने वाले, उन लोगों ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। जिन लोगों ने अपने अपने विचार रखे, उनकी ये विचार में भी बहुत ज़्यादा गूढ़ तत्व निहित हैं। हमें इन सब का संकलन करना है और इसके माध्यम से आगे शोध कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कहाँ तक के लिए होना चाहिए, इस पर विचार करते रहना है। आज इस कार्यशाला का अंतिम प्रहर है, जिसमें हमें मूलतः शोध के निष्कर्ष पर ज़्यादा विचार करना चाहिए। शोध कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, कहाँ हम केवल लैब में काम करते हैं, कहाँ हमें फील्ड वर्क करना होता है, कहाँ हम शास्त्रों से मोती की तलाश करते हैं, शास्त्र हमारे सागर हैं, हम कैसे वहाँ से मोती की तलाश करते हैं, कैसे उसे माला में पिरो देते हैं, फिर माला कैसे हमारे गले को, हमारे समाज के गले को, हमारे राष्ट्र के गले को आकर्षक बनाती है, और कैसे उस माला को जपने से मानवता का कल्याण होता है। आप सभी इस प्रक्रिया में लगे हैं, इसके बारे में आपको बताया गया होगा, सभी पद्धतियों के बारे में। आज थोड़ी चर्चा में आपसे केवल जो फाइनल होता है चैप्टर, एक तरह से रिसर्च का वो होता है कंक्लूजन, उसके बारे में मैं जरूर आपसे थोड़ी चर्चा करूँगा। आखिरी जो चरण होता है किसी भी कार्यक्रम का, वो लंबा नहीं खींचना चाहिए, फिर भी कुछ जो सार तत्व हैं कंक्लूजन से संबंधित, निष्कर्ष से संबंधित, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि जो निष्कर्ष का अध्याय होता है वह पूरे शोध कार्य का निचोड़ होता है, जिसे जिस्ट कहते हैं।
इसकी पहली विशेषता तो यह होती है कि इंट्रोडक्शन से लेकर और कंक्लूजन तक यह इंटरलिंक्ड होना चाहिए, एक कड़ी बनी रहनी चाहिए और यह कड़ी कहीं भी टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए जब निष्कर्ष लेखन का काम होता है तो आरंभ में हमें अपने ध्येय की उपादेयता पर आना होता है कि हमने जो विषय लिया है यह उपादेय कैसे है, उपयोगी कितना है और आने वाले समय में प्रासंगिक किस तरह से रह सकेगा, ये पहला ध्यान रखना होगा। इसलिए आरंभिक चरण में कंक्लूजन के हमें अपने पूरे संपूर्ण शोध प्रक्रिया के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना होता है। यह तो सभी करते हैं, मूल होता है उसके बाद का विचार जो हमारा पूर्णतः मौलिक होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना आपने शोध कार्य किया है उसमें मौलिकता का कहीं अभाव होता है, वो पूरा आप ही का मौलिक होता है, लेकिन इस मौलिक में भी जो नई दृष्टि होती है, नई चेतना होती है, नया भाष्य होता है, वो कंक्लूजन के धरातल पर ही होता है। इसलिए इसमें आपकी मौलिकता उभर करके सामने आने लगती है और देखते समय कोई भी जो पाठक होता है या मूल्यांकन करने वाला होता है वह मौलिकता दिखती है, बल्कि वह मौलिकता बोलने लगती है। तो हमें उसका ध्यान रखना होगा कि जो हमने तथ्य संकलन किया है वो प्रामाणिक कितना है, हमने जिन स्रोतों का आश्रय लिया है, प्रथम द्वितीयक तृतीयक टर्शियरी जिसे कहते हैं, उसका हमने प्रयोग कितना किया है अपने शोध कार्य में, हमारी जो भाषा शैली है लिटरेरी प्रेजेंटेशन यह उत्तम होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शोध में जब हम निष्कर्ष पर आते हैं तो अंतिम चरण में हमारा फोकस हमारे एम और उसके अचीवमेंट पर होना चाहिए। हमने क्या लक्ष्य लेकर के यह शोध कार्य आरंभ किया और हमने उसमें कितना अचीव किया, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है निष्कर्ष के अध्याय में बताना कि एम से लेकर अचीवमेंट तक हमने कैसी यात्रा की है। और यह इसलिए बताना आवश्यक होता है कि आने वाले दिनों में इस शोध को आधार बनाकर आगे भी शोध किए जाएंगे, इसलिए इसमें बहुत सारे संदेश निहित होते हैं। कैसे हम आर्टिकुलेटिव हैं, कैसे अपनी बात कह सकते हैं, कितना एप्रोप्रिएट है यह कार्य, उचित सामयिक सारगर्भित और कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावी है, यह हमें कंक्लूजन वाले अध्याय में, निष्कर्ष वाले अध्याय में देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। वस्तुतः यही अध्याय हमारे तथ्य तर्क और संदर्भ का भाष्य कहा जाता है कि हमने तथ्य किस तरह से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, जो लिख रहे हैं उसके पीछे तर्क क्या है, लॉजिकल कितना है हमारा शोध कार्य, ये इसमें ध्वनित होता है। किस संदर्भ में हमने किया है और आगे क्या प्रसंग इसका लिया जाएगा, ये सारे विचारणीय होते हैं जब भी हम निष्कर्ष लेखन करते हैं। इसलिए यह पूरे शोध कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि शोध कार्य जब करते हैं, जो चैप्टर्स बनते हैं हमारे, एक एवरेज हम तय कर लेते हैं, प्रत्येक चैप्टर 20 या 25 पेज का होगा, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज चैप्टर की तुलना में हमारे निष्कर्ष वाला हिस्सा थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि सार तत्व तो छोटा ही होता है। और उस छोटे में कहा जाता है कि हम सूत्र रूप में अपनी बातें कह लेते हैं, अर्थात हमारा जो निष्कर्ष वाला अध्याय है वह समास शैली में होना चाहिए, व्यास शैली में नहीं होना चाहिए। साहित्य का हो, समाज विज्ञान का हो, विज्ञान का हो, वाणिज्य का हो, शिक्षा शास्त्र का हो या अन्य जितने भी विषय हैं, सबसे संबंधित शोध कार्य में यही हमारा समास शैली का अध्याय होता है। थोड़े में हम बहुत कुछ कह जाते हैं। इसमें एक अंश होता है सजेशंस का, सुझाव का, कि हम आने वाले अध्येताओं को क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य अंतिम कार्य नहीं होता, कोई भी पन्ना इतिहास का आखिरी पन्ना नहीं होता। हम अपना हिस्सा पूरा करके जाते हैं और फिर आगे आकर इसे कोई और बढ़ा देता है। यह सोच कर ही हमें लिखना चाहिए कि आगे इस पर बहुतों की दृष्टि पड़नी है, बहुत लोग इसको विस्तार देने वाले हैं, इसलिए हमें सुझाव देना चाहिए कि हमने पूरी प्रक्रिया में जो अध्ययन किया है उसमें क्या ऐसा रह गया है जो आगे देखा जाना चाहिए।
कौन से ऐसे तत्व हैं जिस पर हमने बहुत विचार नहीं किया और विचार किया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम शोध के अन्य अध्यायों में अपनी बात पूरा व्याख्या के साथ नहीं रख पाते, कोई ऐसा भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो छूट जाता है, तो थोड़ी उसकी भी हमें व्याख्या कर लेनी होती है। आखिरी अध्याय में निष्कर्ष के अध्याय में हमें अन्य सभी अध्यायों के साथ सम्यक न्याय भी करना हो। जो टाइटल है थीसिस की, उसके प्रति भी अपने भाव रखना होता है कि यह क्यों उपादेय है। शोध की उपादेयता सामयिक होती है और फिर कालांतर में देखे जाने पर ही उसकी महत्ता बढ़ जाती है। हमें यह भी बताना होता है यह कितना प्रासंगिक है और आगे कितना महत्वपूर्ण यह होने वाला है। शोध करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम एक संस्था में यह कार्य कर रहे हैं, यह शोध कार्य आगे तक जाएगा, आगे जाने पर जो नीति निर्माता हैं इसका कहीं प्रयोग कर सकते हैं क्या, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्थात केवल अकादमिक संस्थाओं तक ही हमारा शोध कार्य सीमित नहीं रह जाता, यह नीति नियंताओं के पास पहुंचता है, क्योंकि यह राष्ट्र की निधि हो जाता है जो हमारा शोध कार्य है। इसलिए इसमें सभी आयामों पर विचार होता है। हमें यह भी बता देना होता है कि हमने जो संदर्भ लिए हैं वो कितने प्रामाणिक हैं, ये बाद में विवेचन का विषय होता है, मूल्यांकन का विषय होता है, क्योंकि शोध का मूल्यांकन आवश्यक नहीं कि केवल 3 परीक्षक ही करें जिनके पास यह जाता है, इसका मूल्यांकन आने वाले दिनों में भी होता है उनके द्वारा जो इसे पढ़ते हैं। इसलिए ध्यान रख करके इसे बहुत न्यायसंगत, तर्कसंगत, तथ्यसंगत बनाना होता है। इसलिए आखिरी अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होता है। आप कह सकते हैं कि पूरे शोध कार्य का यह दर्पण होता है, जिसके प्रत्येक पन्ने पर शोध कार्य की प्रामाणिकता दिखती है, उपादेयता दिखती है और भविष्य में इसकी ग्राह्यता क्या होगी यह स्थिति दिखती है। आप जब शोध कर रहे होते हैं तो आपसे आपकी संस्था की अपेक्षाएं होती हैं, आपके समाज की अपेक्षाएं होती हैं, आपके राष्ट्र की अपेक्षाएं होती हैं और अंततः मानवता की अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाओं पर खरा उतरना बहुत कठिन होता है, असंभव नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें और स्वयं अपने प्रति जवाबदेह हों कि हमने जो कार्य किया है यह कितना ज़्यादा ईमानदारी के साथ किया गया कार्य है। आप सभी निष्ठावान हैं, सभी जानकार हैं, शोध कार्य का अंतिम अध्याय केवल सूचनाओं का संकलन नहीं होता, सूचनाओं का सम्यक प्रस्तुतिकरण होता है आपकी दृष्टि के साथ। इसमें शोधकर्ता की अंतर्दृष्टि दिखलाई देती है, इसमें मिशन भी होता है, इसमें विजन भी होता है, आपका संकल्प भी होता है और आपकी दूरदृष्टि भी होती है। जब सबको समायोजित कर लेते हैं तो निष्कर्ष बनता है और साथ में इसमें कुछ सुझाव अवश्य दिए जाने चाहिए कि क्या क्या इससे संबंधित विषय पर आगे किया जा सकता है, क्या हम चाहते थे जो इसमें नहीं कर पाए। इसलिए शोध का जो भाव होता है, क्या, क्यों, कैसे, कहां तक, किस तरह, इसमें झलकना चाहिए। यही एक आदर्श निष्कर्ष का भाव होता है। मुझे पूरा विश्वास है कितने दिन में जिन आचार्यों के संपर्क में आप आए होंगे तो उनके द्वारा जो ज्ञान की वाणी आपके सामने आई होगी आप सभी उससे आप्लावित हुए होंगे, लाभान्वित हुए होंगे और स्वयं आपने जो विचार रखे होंगे जिन लोगों ने भी सुना है उनके लिए उपयोगी और उपादेय सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए, इस 5 दिवसीय कार्यशाला के लिए प्रोफेसर संध्या गिहार और उनकी पूरी टीम को मेरी ओर से बधाई, बहुत साधुवाद, और जो लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं आप सबको भी बधाई कि आज शिक्षा में जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस रिसर्च वर्क की, उससे आप लोग जुड़े हुए हैं, उसमें रुचि रखने वाले लोग हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो। आप सभी जहाँ भी हैं आप सुरक्षित रहें, आपके परिवार के सारे सदस्य सुरक्षित रहें, आपके सगे संबंधी सुरक्षित रहें और आप आज का जो त्रास युग है कोरोना नामक वायरस के चलते, उसमें आप सब सुरक्षित रहें
आपका आत्मबल बना रहे, मनोबल बढ़ा रहे, राष्ट्र द्वारा भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत जो केंद्र के निर्देश मिल रहे हैं, जो प्रांतीय सरकारों के निर्देश हैं, स्थानीय शासन के निर्देश हैं, आप उसका अनुपालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, रचनात्मक कार्य में लगें, अध्ययन करें, जो अध्ययन का निष्कर्ष निकलता है उसे भी कहीं आप अंकित करें, आप खेलकूद की दुनिया से भी अपना संबंध रखें, लेकिन जब भी बाहर निकलें तो अपनी सुरक्षा का विशेष प्रबंध करें, क्योंकि आपका सुरक्षित रहना समाज के लिए आवश्यक है, राष्ट्र के लिए आवश्यक है, मनुष्यता के लिए आवश्यक है। आप सभी जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें और प्रगतिशील हों। आप सबके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।